आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक बैट है, वो फ्लाई कर रही है अबाउट इन अ केव, नेविगेटिंग वाया अल्ट्रासोनिक ब्लिप्स। एज्यूम करना है कि जो साउंड एमिशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो है 39 हर्ट्ज। तो ड्यूरिंग वन पास वूप डायरेक्टली टुवर्ड्स अ फ्लैट वॉल सर्फेस, द बैट इज मूविंग एट 0.02 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। तो हमें फाइंड करना है कि कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, डज दैट बैट हियर रिफ्लेक्टेड ऑफ द वॉल, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी जो बैट हियर करेगी रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल। तो क्या है, ये हमारे पास अगर बैट ले लें, एस सोर्स है, और यहाँ से क्या हो रहा है, इसकी जो पहले ही वॉल की तरफ जा रही है और फिर वहां से क्या कर रही है, वापस से पहले वॉल की तरफ जा रही है और फिर रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। तो ये हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पे है, वॉल के पास बैठा हुआ है। तो अब हमें फ्रीक्वेंसी वैल्यू दे रखी है 39 हर्ट्ज और बोल रखा है कि जो अगर हम ले लेट वी बी द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, तो जो स्पीड ऑफ बैट होगी, स्पीड ऑफ साउंड फॉर द बैट, वो क्या ले लेते हैं, वी बी, और जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, वी बी इज 0.02 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ये आ जाएगा वी बी इक्वल्स टू 0.02 इंटू वी। तो अब हमारे पास वी बी की वैल्यू आ गई। अब क्या होगा कि अगर हम ले लें कि जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व एट वॉल, अगर हम वॉल की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जर्वर इस पॉइंट के लिए ऑब्जर्वर रेस्ट पर है और जो सोर्स है वो अप्रोच कर रहा है, तो सोर्स इज अप्रोचिंग। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला होता है f इक्वल्स टू f नॉट इनटू v डिवाइडेड बाय v माइनस वी बी, और अब यहाँ पे वी बी की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे पुट कर देंगे f नॉट इंटू वी अपॉन में वी माइनस 0.02 टाइम्स ऑफ v। तो v ऊपर से भी कॉमन लेंगे, नीचे से भी कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा f नॉट अपॉन में 1 माइनस 0.02। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे 39 अपॉन में 0.98, तो जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाय 0.98, इसकी तो किस टर्म्स में आएगा, ये हर्ट्ज की टर्म्स में आएगा, इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, 0.98 हर्ट्ज। अब सेकंड केस क्या लेते हैं कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, मूव्स टुवर्ड्स द वॉल, वॉल की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन जो सोर्स है वो रेस्ट पर है। दो केसेस है, सोर्स इज एट रेस्ट। तो अब इस केस में क्या होगा, जो फाइनल एफ आ जाएगा, इसको ले लेते हैं एफ डैश, होगा एफ इंटू वी बी प्लस वी डिवाइडेड बाय वी, फिर से वी बी की वैल्यू पुट करेंगे, और एफ क्या है इस बार जो हमने ये फाइंड किया, अभी इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 39 डिवाइडेड बाय 0.98 इंटू वी बी की वैल्यू पुट करेंगे 0.02 वी प्लस वी डिवाइडेड बाय वी, तो v फिर से इस बार कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाय 0.98 इंटू 1.02। तो इनको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 40.591 हर्ट्ज। इसको अप्रॉक्स लिखेंगे तो ये आ जाएगा 41.2 हर्ट्ज। तो इतनी फ्रीक्वेंसी होगी जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो ये हमारा हो गया आंसर। थैंक यू। क्लासिक्स टू 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।